जब uh, ये जो आफ्टर रिजल्ट बटन ये ऊपर की जो टेबल है उसमें लिखित रूप में लिखा है कि फोर्थ जून 24 और उसके नीचे लिखा है टाइम सो फोर्थ जून 24 टाइम इफ द इफ द मशीन इज ओपन एट दैट टाइम इट विल रिफ्लेक्ट दैट टाइम राइट इफ द मशीन इज नॉट ओपन इज ओपन एट दैट टाइम एंड रिफ्लेक्ट अनदर टाइम इट मीन्स द मशीन हैज बीन ओपन अर्लियर राइट सो दिस टाइम मस्ट बी मस्ट टैली विद द टाइम व्हेन द मशीन इज ओपन राइट एंड इफ देयर इज अ डिफरेंस दैट मींस दैट देयर इज द मशीन हैज बीन टैंपर्ड विद अर्लियर ठीक है तो ये जो वक्त है उसी वक्त वो वक्त दिखाएगा जब मशीन ओपन होती है तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है तो ये सावधान रहना है इस बात को कि जब मशीन खुले टाइम वही वो, वो होना चाहिए जब वो खुले ठीक दूसरा सीरियल नंबर अब इसका नोट करोगे सीरियल नंबर वही होना चाहिए क्योंकि सीरियल नंबर ऊपर है जैसे मैंने आपको बोत सीरियल नंबर इज 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 दोल कंट्रोल यूनिट नंबर कंट्रोल यूनिट ऊपर भी लिखा है तो वही सीरियल नंबर होना चाहिए ठीक है ना कई बात क्या मैं कोई आरोप लगाता है कि भाई मशीन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है तो अगर डुप्लीकेशन होगी तो डुप्लीकेट मशीन लाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो टाइमिंग यहाँ अलग होगा समझ गए ना वो टाइमिंग अलग होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वो मशीन नहीं है हालांकि उसका नंबर सेम हो सकता है समझ गए फिर आ जाओ आप दूसरे तो जब ये आप ये ऊपर से सब ठीक रहेगा तभी आप कहोगे कि आप अब रिजल्ट का बटन दबाइए तब रिजल्ट का बटन दबाएगा तो वहाँ आपको वो दिखेगा कि पोल रिजल्ट पोल रिजल्ट डेट ठीक है ना वो आपको डेट आ जाएगी उसमें अंतर होगा मतलब ये पोल रिजल्ट डेट अगर ये है और पहले दिखाता है वो तो इसके भी फिर टैंपरिंग हुई है ठीक तो वो भी आपको पता चल जाएगा फिर आप क्या इस फिर ये है पी एस टी एंड पी ई टी दैट मीन्स पोल एंड टाइम एंड पोल स्टार्ट टाइम तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा पोल स्टार्ट टाइम पोल एंड टाइम और बाकी सीरियल नंबर वो मैच होना चाहिए बाकी तो वैसी बात नहीं और पोल टोटल वोट्स पोल्ड वो उसमें आ जाएगा मशीन में ही होगा तो आप उसको नोट कीजिए अगर आपके पास 17 सी फॉर्म है नहीं भी है तो आप नोट कर सकते हो टोटल वो, वोट्स पोल्ड और अगर काउंटिंग में कोई अंतर आता है तो फिर गड़बड़ी है तो ये सब चीज़ों के लिए सब लोगों को सावधान रहना चाहिए सब काउंटिंग एजेंट्स को और सब राजनीतिक दलों को ऑल 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 कैंडिडेट्स एंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज शुड बी अवेयर दैट दिस प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड एंड दैट द टाइम शुड बी द टाइम व्हेन द मशीन वाज ओपन एंड इफ इट शोज समा दैन समथिंग इज रॉन्ग सीरियल नंबर शुड भी द सेम इफ इट्स नॉट द सेम दैन समथिंग इज रॉन्ग एंड इफ द पोल रिजल्ट ऑल्सो देर इज अ डिफरेंस इन डेट दैन दैट मीन्स दैट समी ए स्टैम्पर्ड पोल स्टार्ट टाइम एंड पोल एंड टाइम इज ऑल रिफ्लेक्टेड एन द सीरियल नंबर हे मस्ट मैच विदीय नंबर ऑफ द कंट्रोलिट्स नहीं मुझे तो सब पे भरोसा है मुझे तो प्रधानमंत्री जी से भी भरोसा है ऐसी क्या बात है ऐसे मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ उसको आप सीरियसली लो ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना चाहिए और विदाउट इंटरफेरेंस रिजल्ट आने चाहिए यही लोकतंत्र का मूल की मूल बात है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ